प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती हुई महंगाई को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीपत के द्वारा 14 नवंबर को जन जागरण अभियान पदयात्रा सोठी के पिपरानार से शुरू हुई। पूरे जोश उत्साह के साथ इस पदयात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा गली मोहल्लों एवं लोगों के घरों में जाकर सबको महंगाई को लेकर यह बता रही है कि जो आज की कमर तोड़ आम जनता का जीना दुभर हो गया है, यह सब भाजपा की केंद्र की सरकार की देन, लोगों को केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियों और वादा खिलाफी को जनता के बीच बता रही है। घरेलू खाद्य वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल कीमतों में दिनों दिन बढ़ती हुई महंगाई के लिए जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी की नारों से मोदी सरकार से इस्तीफा मांगा और 7 साल की केंद्र की भाजपा की सरकार से कालाधन, किसानों के खातों में पैसा, छत्तीसगढ़ के लोगों से भेदभाव, सबका हिसाब मांगा। छत्तीसगढ़ के जनहितैषी भूपेश बघेल की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताकर जागरूक किया। राज्य बना हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जैसे वादा किए थे तुरंत किसानों के लिए का कर्जा माफ किए और 2500 रुपए में धान खरीदने का जो वादा हो तुरंत किए और वैसे ही महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू किए हैं डीजी सखी के माध्यम से। वो सखी सहेलियों को हम इन योजनाओं के बारे में बताते हुए इस पदयात्रा का शुभारंभ किए हैं और इस पदयात्रा के समापन तक महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं सखी के डीजी सखी बीसी सखी के माध्यम से उसको हम महिलाओं को बहनों को बताते हुए जा रहे हैं। युवा साथियों को और किसान भाइयों और बहनों को हमारी सरकार भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं को हम बताते हुए आज से शुभारम्भ किए हैं। महंगाई का सारा दोष क्या केंद्र की देन है, इसमें राज्य सरकार के क्या भागीदारी? ऑफ कोर्स महंगाई का सारा जिम्मेदारी केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार तो बाद में आता है। हमारी सरकार जब से बनी है तब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि सभी किसानों को, माताओं को, बहनों को, युवाओं को के लिए काम करें, पर केंद्र सरकार का हम इसलिए कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार है। महंगाई जैसे महंगाई के बारे में हम लोग है रोड पे, तो कांग्रेस जैसे कि 450 रुपये यूपीए सरकार में गैस की कीमत थी जो बढ़ के आज 900 रुपये है, पेट्रोल डीजल की बेतहाशा वृद्धि के है ना खिलाफ में, और जैसे खाने का तेल है, दाल है, ये सब चीज़ों में अकस्मात बढ़ोतरी की गई है जिससे लोगों को घर चला पाना मुश्किल है। और पूरे कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय स्तर से लेकर पूरे ब्लॉक स्तर पर आंदोलनरत है और ये आंदोलन 14 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगी। और हमारे छत्तीसगढ़ की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब द्वारा ये लगातार आज से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज पिपरानार सोठी ग्राम पंचायत के अंतर्गत यहां से चालू होकर लगातार हम लोग 29 तारीख तक पदयात्रा करेंगे। इसमें निश्चित तौर पर जिस हिसाब से केंद्र सरकार की विफलता है उसके द्वारा जो जनता को धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला गया है, इसके खिलाफ में आम जनता को अवगत कराया जाएगा कि किस तरह से महंगाई को बढ़ाकर आज जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया गया है और हम लगातार पदयात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर ये केंद्र सरकार जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है वो झूठ बोलकर सत्ता में बैठी है, उस सरकार के बारे में आम जनता तक हम बताएंगे। और उसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से आज खुशहाली है, जब से हमारे माननीय भूपेश बघेल साहब जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से छत्तीसगढ़ के आम जनता खुशहाल है। किसान भाई हो, युवा वर्ग हो, हमारे माताएं बहनें हो, सबके लिए योजना लाकर आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश खुशहाल है। इसके बारे में भी हम अवगत कराएंगे, जैसे शुरू में कर्ज माफ किया गया और बोनस लगातार किस्तों के माध्यम से दिया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ के हर जनता के जबान में भूपेश सरकार, जिसका सर्वे में भी आप सब देख रहे हैं कि नाम आ चुका है कि देश में पूरा अव्वल पहला मुख्यमंत्री है, और वो है हमारे माननीय भूपेश बघेल साहब जी। बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।